बागपत से आ रही है भाजपा सांसद साक्षी महाराज का आज बागपत में दौरा है। आपको बता दें कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर साक्षी महाराज ने बयान भी दिया है। दोनों पार्टियों को साथ आने से फायदा होगा। साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर आरएलडी और एनडीए साथ आती हैं तो दोनों पार्टियों को फायदा होगा, यूपी में सभी सीटों पर जीतेंगे। आपको बता दें कि 80 सीटों पर जीत हासिल करने का भी लक्ष्य है, पूरा हो जाएगा। साक्षी महाराज ने कहा है हल्द्वानी हिंसा पर भी पुरानी बीमारी ठीक होने में समय लगेगा। उन्होंने कहा है कि पुरानी बीमारी सही होने में समय लगेगा, लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद चल रहा है। ये बड़ी खबर बागपत से आ रही है जहां भाजपा सांसद साक्षी महाराज का आज बागपत दौरा है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर साक्षी महाराज ने बयान भी दिया है। संपूर्ण राष्ट्र की जनता राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ी है। इस गठबंधन से कितना प्रभाव पड़ेगा, कम से कम जयंत की पार्टी को अमृत मिलेगा और जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसका केवल जाट समुदाय में ही नहीं संपूर्ण किसान संघ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। परिणाम ये निकल के आएगा कि पश्चिम की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें ये दोनों मिलकर के जीत रहे हैं। अच्छा, हल्द्वानी की घटना को आप किस रूप में देख सकते हैं? हल्द्वानी में उसके संदर्भ मुझे जानकारी नहीं, उत्तराखंड के लोग सही उत्तर दे सकते हैं। प्रशासन अतिक्रमण ढाने गया था तो उसमें एक समुदाय ने हमला कर दिया था जिसमें कि दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई है, पथराव भी हुआ, 6 लोगों की मौत हुई थी। बीमारी बहुत पुरानी है। खबर औरैया से है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हादसे के दरमियान 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 3 घायल, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर औरैया से आ रही है जहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई है। एक ये मथुरा प्रसाद नाम के 40 वर्षीय एक व्यक्ति हैं। ये कोई ट्रक से जा रहे थे, इनकी गाड़ी कहीं लड़ गई है तो उसमें घायल अवस्था में इनको एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया। इनका उपचार किया गया। इनके दाहिने पैर में क्रश इंजरी है, बहुत ज़्यादा इंजरी है। उसको रिपेयर करने मतलब उसको बांधने के बाद, ब्लीडिंग चेक करने के बाद मैंने इनको सफाई के लिए रेफर कर दिया है। एम्बुलेंस आने वाली है, उसमें चले जाएंगे। फिलहाल इनके वाइटल स्टेबल है। ये निवासी है, ये निवासी है, भिंड जनपद के निवासी है। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज।